जैसा कि होली पे सबके घर में मिठाइयाँ बनती है, बहुत चीजें हम बनाते हैं, तो मैं भी आज 2-3 रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ की मठरियाँ, जिसको हम लोग टिकड़े बोलते हैं। आटे में गुड़ डालकर और उसकी मठरियाँ बनाते हैं, हमारे पंजाबी में वो टिकड़े बोलते हैं। ये हमारे घरों में त्योहारों में मेरी नानी दादी मम्मी हम लोग बनाते थे, तो आज हमारे घर पर सब बहुत शौक से खाते हैं और बहुत टेस्टी लगती है, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक पैन ले लिया है और गुड़ को मैंने पीस लिया है। एक पैन में हम आधा ग्लास पानी डालेंगे और उसमें हम गुड़ को डाल देंगे। गुड़ को हमने सिर्फ मेल्ट करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। गुड़ मेल्ट हो गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे और गुड़ की चाशनी को ठंडा कर लेंगे। और मैंने आधा किलो आटा लिया है और उसमें 7-8 चम्मच देसी घी डाल दिया है मोयन के लिए, और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर गुड़ की चाशनी डालते हुए हम इस आटे को गूंथ लेंगे। बिल्कुल टाइट डो लगाना है और हमने सिर्फ गुड़ की चाशनी से ही डो लगाना है, इसमें और पानी नहीं डालना है। जितनी चाशनी हो आप उतना आटा लेकर डो लगा लीजिए, एक टाइट डो। हमारा डो तैयार है। आधा किलो आटा गूंदने के लिए मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है। अब हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। रोटी ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। और अब हम इसको किसी गिलास या कटोरी से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने गरम होने रख दिया है, ऑयल मीडियम गरम होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। अब स्लो मीडियम फ्लेम पर टिकड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही हम अपने सारे टिकड़े फ्राई कर लेंगे। सारे टिकड़े तैयार हो चुके हैं। ये गुड़ की मठरियाँ बहुत टेस्टी बनी है और बहुत कुरकुरी। मेरी सेकेंड रेसिपी है पापड़ी, जिससे मैं पापड़ी चाट बनाऊंगी। उसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा ले लिया है और उसमें थोड़ी सी अजवाइन और नमक डाल के और एक कड़छी देसी घी का मोयन डाल लिया है। अच्छे से सारा मोयन को मिक्स करने के बाद हम इसे पानी से डो तैयार कर लेंगे, टाइट डो तैयार करेंगे। हमने इसे रेस्ट नहीं देना है, साथ के साथ ही हम अपनी पापड़ी तैयार कर लेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी सी पापड़ियाँ, आपको जिस भी साइज़ की चाहिए, और बिल्कुल पतली पतली पापड़ी बेलकर हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम पापड़ियों को तैयार करेंगे और फोर्क से इसमें प्रिक कर लेंगे ताकि ये पूड़ियों की तरह फूले नहीं। और हम इसे बिल्कुल स्लो पे फ्राई करेंगे जिससे ये खस्ता बनकर तैयार होंगी। मैंने सारी पापड़ियाँ ऐसे तैयार कर ली हैं, बहुत बढ़िया बनी हैं, बहुत खस्ता बनी है। तो फ्रेंड्स, मेरे टिकड़े भी तैयार है और मेरी पापड़ी भी तैयार है। ये तो हम चाय के साथ कभी भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और पापड़ी आप ऐसे भी चाय के साथ खा सकते हैं। और इसकी मैं आपको आज चाट बना के दिखा रही हूँ, बहुत टेस्टी चाट बनेगी। चाट के लिए मैंने ये सारा सामान ले लिया है। आपने सुनी पापड़ी की आवाज, पापड़ी बहुत खस्ता बनी है। अब हम इसकी चाट बना लेते हैं। उसके लिए मैं पहले एक मसाला बनाऊंगी, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच भुना जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च मिला के हम एक मसाला इकट्ठा तैयार करके रख लेंगे। अब मैंने प्लेट ली है और इसमें हम पापड़ियाँ लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर आलू डाल देंगे, आलू मैंने बॉईल करके कट करके रखे हैं। और थोड़े से हम इसके ऊपर टमाटर डाल देंगे,
थोड़ी सी हरी मिर्च। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे जो हमने मसाला तैयार किया है, और थोड़ी सी पापड़ी जो हमने क्रश करके रखी है वो डाल देंगे। अब जाएगी हरी चटनी, तीखी हरी चटनी। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन की चटनी भी बना के डाल सकते हैं। और अब इसके ऊपर सौंठ, लाल चटनी जो होती है घर की बनी हुई, वो डाल देंगे। और अब इसके ऊपर जाएगी गाढ़ी दही। अब इसके ऊपर फिर से सौंठ डाल के और बारीक सेव डालकर हम इसको अच्छे से गार्निश कर देंगे। हमारी चाट तैयार है, आइए आप भी खा लीजिए। अब मैं बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल ठंडाई। उसके लिए एक बाउल में 4 बड़े चम्मच बादाम, 2 बड़े चम्मच पिस्ता, 4 बड़े चम्मच मगज, 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड जिसे हम खसखस भी बोलते हैं, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 बड़ी चम्मच काली साबुत मिर्च और 10 से 12 इलायची। और एक बाउल में हम थोड़ी सी केसर भी लेंगे। केसर को हम इसके अंदर मिक्स नहीं करेंगे, केसर को हम अलग से एक छोटे बाउल में भिगो देंगे। और इन सारी चीज़ों में हम पानी डालकर 7-8 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे, और केसर को अलग से भिगो कर रख देंगे। 7-8 घंटे हो चुके हैं, हमारी सारी चीज़ें फूल कर तैयार हैं। और अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, और इस पानी के साथ ही ग्राइंड करेंगे क्योंकि इस पानी में बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छे फ्लेवर आ गए हैं। बहुत ही फाइन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट तैयार है। अब हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच गुलकंद डाल देंगे। गुलकंद डालकर हम एक बार इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे। इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और बहुत अच्छा पेस्ट बनकर तैयार है। एक पैन में 2 बड़े कप चीनी डाल दी है और उसमें 1.5 कप पानी डालकर हम इसे मेल्ट कर लेंगे चीनी को। इसका एक सिरप बनाना है, इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है। वेट में चीनी 450 ग्राम है। और अब हम इसमें केसर का पानी भी डाल देंगे, और जो पेस्ट हमने बना के रखा है वो भी सारा इसमें डाल के और इसे अच्छे से 15-20 मिनट के लिए पका लेंगे। पकने के बाद ठंडा करके इसे आप फ्रिज में रखिए, और जब भी आपका दिल करे दूध में डालकर ठंडाई बनाइए। 16-17 मिनट हो चुके हैं और हमारी ठंडाई बनकर तैयार है। मैं अब गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा करके हम सर्व करेंगे। 2 ग्लास ठंडा दूध ले लिया है और उसमें 6 चम्मच हमने ठंडाई डाल लिया, और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ठंडाई को हम ठंडा ठंडा ही सर्व करेंगे और इसे पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। तो ये थी हमारे घर पर होली स्पेशल ठंडाई और होली स्पेशल चाट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।